हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूं, लेकिन अभी जो है मैं कुछ दिनों से इनएक्टिव हो गया था। तो देखो क्या है ना, कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ और सलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको अपना नेम जो है कैसे चेक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, सिलेक्शन लिस्ट में ना उन्हीं स्टूडेंट का नाम होता है जिनका कि जो है अब एडमिशन कंफर्म हो गया है। डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको क्या करना है आगे, और आपको कैसे फ़ीस वगैरह पेमेंट करनी है। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहेगा, और आप कोई भी डाउट अगर होते हैं तो सिंपली आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ करके और पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, और हाँ, अगर आप लोग मैसेज कीजिए तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे लिस्ट हैं जो नई लिस्ट आई हुई है कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो इस लिस्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे कौन कौन से लिस्ट हैं। ये जो आप लोग लिस्ट देख पा रहे हो, सिलेक्शन लिस्ट BSc पैरामेडिकल साइंस NRI एंड स्टूडेंट सॉरी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी NRI स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो एडमिशन होता है उनका ये लिस्ट है। इसमें इंडियन स्टूडेंट का नहीं है बेसिकली। साथ ही साथ देखिए, ये जो लिस्ट आई हुई है सिलेक्शन लिस्ट 1 BOT, वो भी जो है NRI के लिए है, और ये लिस्ट आज ही आई है। फिर BPT NRI, फिर MPT और मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ओके, एंड मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी वेटिंग लिस्ट भी आई है। साथ ही साथ MSc एंड MSc कोर्सेज, MSc पैरामेडिकल साइंस, MSc नर्सिंग। तो देखो, एक बार ना मैं यहाँ से MSc नर्सिंग की लिस्ट जो है ओपन कर लेता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि आगे अब क्या करना है, आपको कैसे फीस पेमेंट करना है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ओके। तो बात को समझिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए, यहाँ पर ना सबसे पहले आपको ये सिलेक्शन लिस्ट 3 है MSc के लिए। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि MSc के लिए अप्लाई किए होंगे, यहाँ पर देखो MSc मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और MSc मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग, दो जो है कोर्स का यहाँ पर लिस्ट आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर तीन कैंडिडेट जो है सेलेक्टेड हैं। तो देखो, हर एक कोर्स के लिए ना ये सेम प्रोसीजर होने वाला है। सेम प्रोसीजर मीन्स जो मैं आपको यहाँ प्रोसीजर बताऊँगा फीस पेमेंट वगैरह करने का, वो हर एक कोर्स के लिए सेम ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नेम चेक करना है, ओके। जब आप लोग अपना नेम चेक कर लोगे, तो जिस दिन यहाँ पर मेरिट लिस्ट आई होगी, जिस दिन अपलोड हुई होगी मेरिट लिस्ट, उसके जस्ट और जस्ट 5 दिनों के अंदर, ठीक है, 5 से 7 दिनों के अंदर आपके पास एक ईमेल आएगा, ओके। ईमेल में ये चीज़ मेंशन आएगा कि आपको पेमेंट करना है, ओके। पेमेंट आपको कितना करना है, ये देखिए, MSc नर्सिंग के लिए टोटल जो सेमेस्टर फीस है, टोटल मिला जुला करके, वो है 62,500 रुपये, ओके। इतना उनको फीस पेमेंट करना है। आपको फीस कहाँ से पेमेंट करना है, आप लोग इसको समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट पर, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और यहाँ पे एक लॉगिन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, ओके। तो आपको यहाँ से करना है लॉगिन। ध्यान से समझिएगा ज़रा, कैसे आपको पेमेंट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर आके आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा अपने आईडी और पासवर्ड डाल के। जैसे आप लोग आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जिस भी प्रोग्राम के आप लोगों ने सेलेक्टेड किया होगा। अब इसको ना आप लोग जो है फ़ोन में देखोगे, तो यहाँ पर आपको जो है 3-4 ऑप्शन मिलेगा। फ़ोन से भी कर सकते हो आप लोग पेमेंट, साथ ही साथ आप लोग लैपटॉप से भी कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप लोग फ़ोन से कर रहे होगे ना पेमेंट को, तो यहाँ से आकर आप लोग डेस्कटॉप साइड में कर लेना, अपने जो भी फ़ोन है उसको डेस्कटॉप साइड में कर लोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा कि सब चीज़ क्लियर आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। यहाँ पर देखना, कोर्स फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ओके। जैसे आप लोग कोर्स फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो डाल देना जो भी आपका फ़ीस होगा, और यहाँ से आपका फ़ीस जो है शो हो जाएगा, ठीक है, आपको कितना ज़्यादा फीस पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोग जो है सिंपली अपने फीस को पेमेंट कर सकते हो। पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होगा वो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, ऑफलाइन कुछ ही प्रोसीजर नहीं होने वाला है, ओके। चलो, ये तो बात होगी फीस पेमेंट की। अब आपको उसके बाद क्या करना है, जैसे आप लोग फीस पेमेंट कर लोगे, तो उसके बाद से आपको दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर आपको जो है क्लास का मैसेज आ जाएगा, कब से अभी क्लासेज स्टार्ट होंगी। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, ओके। हालांकि अभी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में DGNM और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, उसके लिए भी स्टूडेंट को मेल भी आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। चलो, अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने ये भी लिखा था कि बी फार्मा की जो है ना वो कब से स्टार्ट हो रही है मेरिट लिस्ट आनी। देखिए, यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आनी ना, बहुत इन्होंने लेट कर दिया है इन्होंने, और काफ़ी स्टूडेंट परेशान है बी फार्मा के लिए, BPT के लिए, साथ ही साथ नर्सिंग के लिए।
तो 30 तारीख तक ये लोग जो है अभी मेरिट लिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि 30 तारीख तक के लिए मेरिट लिस्ट दे दें, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, फीस वगैरह हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ठीक है, उसके बाद से आपके अक्टूबर में जो है क्लासेज स्टार्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ आप कोई डाउट रहते हैं तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ कर पूछ लेना, और यार फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर आना तो। ओके चलो मिलेंगे दूसरे वीडियो में।